जिस घर में संगठन रहता है, जिस घर में एक दूसरे की बात का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं, उस घर में संपत्ति आती है, वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है, मान इज्जत बढ़ाई मिलती है। और जिस घर में कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में शांति नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए अगर कोई तेज दिमाग का भी हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। और भगवान ने तो सुनने के लिए दो कान दिया है और बोलने के लिए एक मुख दिया है, इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि हमें दो बात सुननी है तो एक बात बोलनी है। हर व्यक्ति को कभी जीवन में लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें दो बात पहले सुननी है, कान दो है, तब हमें एक बात बोलनी है, क्योंकि मुख एक है। आज हम चार बात बोलना चाहते हैं और दो बात सुनना चाहते हैं, इसी का लड़ाई, इसी का झगड़ा है। आज कोई सुनने को तैयार नहीं है ना। अरे भाई, नहीं सुनने को तैयार थे तो भगवान भी दो मुख दे देते, एक सामने दे दिया था, एक पीछे भी लगा देते, बोलते रहो दोनों साइड से। भगवान ने एक ही मुख क्यों दिया? इसीलिए दिया है कि आप दो बातें सुनो तो एक बात बोलो। ये सबको सोचना चाहिए। कहते महाराज, घर में बड़ी लड़ाई होती, बड़ा झगड़ा होता, कारण यही है, बोलना बंद कर दो, अपने आप लड़ाई बंद है ना। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अगर कोई मेहमान भी आ जाए और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ तो मेहमान सोचता है कितना जल्दी यहां से टर जाऊं, कितना जल्दी चला जाऊं, होता है कि नहीं। इसी प्रकार से लक्ष्मी भी छोड़ के चली जाती है, शांति भी छोड़ के चली जाती है, सादा वैभव चला जाता है, तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है। गऊ पाल के रखी है, वो गऊ भी बांझ है, कोई बच्चा नहीं।